नमस्कार, आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। खेल दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। अभियान की शुरुआत करने के बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में महान खिलाड़ी मिले थे, आज देश उनको नमन कर रहा है। इस अभियान के जरिए देश ने जल्द ही हेल्दी इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। उन्होंने अपनी फिटनेस, सहन शक्ति और हॉकी स्टिक से दुनिया को चकित कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए भारत के हर नागरिक को स्वस्थ बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह देश की जरूरत है कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। इससे खेल में जो युवा खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खेल जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फिटनेस सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी शर्त है। और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है, आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए, ताकि सहज रूप से क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। उनका जीता हुआ मेडल, उनके तप और तपस्या का परिणाम तो है ही, ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं, उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसी बीमारी के बाद परहेज से हमने ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिकता दी है, उसको श्रेष्ठ माना है। फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है
व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम् दीर्घायुषम् बलम् सुखम् आरोग्यम् परमम् भाग्यम् स्वास्थ्यम् सर्वार्थ साधनम्। यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई। पहले हमें सिखाया जाता था, हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिटनेस जरूरी है, ये तो हमें भी पता है। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।